नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई अलग टॉपिक पे। जी हाँ, क्योंकि फेसबुक, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान जो यूट्यूब पे कहीं कोई सोशल मीडिया पे वीडियो देखता है तो वो फेसबुक से अछूता रहेगा। जी हाँ, और आपके मोबाइल पे नए नए नंबरों से फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती होंगी, सबको पता ही होगा। हम आपके पास बात करेंगे कि फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आने के बाद एक्सेप्ट कर लेता है, दोस्ती हो जाती है, लालच आदमी को मरवाता है। जी हाँ, 6 करोड़ के लालच में मैं बता दूं, लगभग 6 लाख रुपए का चुन्ना लगा दिया। जी हाँ, अब चुन्ना कैसे लगा आप सोचोगे, यार फेसबुक रिक्वेस्ट से या फ्रेंड होने के बाद चुन्ना कैसा लग गया, डिटेल से हम बात करेंगे। और आपको भी सीख लेने की जरूरत है भाई कि ये लालच है ना, ये मरवाता है। क्योंकि 6 लाख दो, मैं आपको 6 करोड़ दूंगी, समझ गए आपको, तो 6 करोड़ दूंगी तो 6 लाख उसके सामने तो कुछ नहीं है, 0 / 0 है, जैसे 10 का नोट पकड़ाना सेम वैसे स्थिति हो गई ना। तो बंदा खुश हो जाता है, अरे दे दो 6 करोड़, 6 लाख रुपए दे दो, 6 करोड़ आ रहे हैं भाई। एक बंदा था, मैं बता दूं, गुजरात का ये मैटर है, देवानंद जी। हाँ, देवानंद जी कोई अपना बिजनेस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, अचानक उनके मोबाइल पे एक फेसबुक रिक्वेस्ट आती है, वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप भी करते होंगे एक्सेप्ट, ऐसे टिक करते एक्सेप्ट हो जाते। हालांकि उसमें जो प्रोफाइल लगी आप देख सकते हैं, फोटो में भी मैं दिखाऊंगा, ये प्रोफाइल उसमें लगी हुई है। जी हाँ, और उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट हो जाती है, काफ़ी टाइम से बातचीत हो जाती है। क्योंकि देखिए, शिकार किसी शिकारी को पकड़ता है तो क्या उसके सामने जाके खड़ा होता है? नहीं जी, वो प्लानिंग के तहत उसको समय दे के पकड़ता है। काफ़ी टाइम बातचीत हो गई, दोस्ती हो गई, मीठी मीठी बातें करने लग गए बिजनेस से रिलेटेड। उन्होंने ये कोई बता दूँ, ब्रिटिश की नागरिक बताया गया इसको, जेली, जी हाँ, जेली अल्किया के नाम से फेसबुक प्रोफाइल थी, उसकी फोटो लगी हुई थी, वो फोटो भी अपडेट कर रही थी, सब कुछ उनका कांटेक्ट हो रहा था आपस में। उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसा बहुत आ रही हूँ मैं घूमने के लिए, तो आपको भी मैं, मेरे पास पैसा है तो मैं सोचती हूँ 6 करोड़ आपको दे देती हूँ। जी हाँ, तो बंदा हो गया खुश जी, ऐसी दोस्त कहाँ मिलती है यार, विदेश की बंदी है अपने पास आ रही है, 6 करोड़ रुपये मिलेंगे। बंदी इंडिया पहुंच गई जी। जी हाँ, इंडिया पहुंचने के बाद में उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैं, मेरे पास करेंसी है उसको चेंज करवाना है। उसमें क्या है कि दलाल लोग हैं ये, इंडिया में पता लगाया तो वो अच्छा मोटा कमीशन खाते हैं, तो एक काम करिए आप मुझे पैसा डाल दीजिए अकाउंट में ताकि मैं वो पैसा उनको न दूं और डॉलर चेंज करवाने की मुझे जरूरत नहीं। तो बंदा हो गया कुछ जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। लगभग 69,000 रुपये उसने दिल्ली का अकाउंट नंबर दे दिया, उसमें उसने डाल दिया। अब आप सोचोगे जी यार, दिल्ली का नंबर दे दिया तो पता नहीं लगता उसको, बूढ़ा आदमी कोई भी है उसको दिखता नहीं है कि भाई विदेशी लड़की दिल्ली का नंबर दे रही है तो पैसे कैसे डाल देते हैं। उसमें कन्वेंस किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, गुजरात दूर है, मैंने कहीं पता लगाया तो किसी ने बोला कि एक काम करिए मैम, मैं यही हूँ होटल में, ये किसी होटल वाले का कॉन्टैक्ट नंबर है, अकाउंट नंबर है, इसमें मैंने पैसे आप डाल दीजिए, ये मुझे निकाल के दे देगा। तो इस तरह से कन्वेंस किया जा सकता है। जी हाँ, तो भाई पैसे उन्होंने डाल दिए, उनके बाद में बता दूँ बोलता है ठीक है आप पैसे डालिए, फिर मैं वो पैसों से मैं आपके पास गुजरात पहुंचूंगी और वहां मैं आपको 6 करोड़ रुपए दे दूंगा। जी हाँ, बंदा हो गया कुछ जी, बस जल्दी पहुंच जाएगी वो। फिर उनके नाम से बता दूं, टूरिज्म पास के लिए, टूरिज्म की भाई दुबई आप इंडिया में कैसे घूमोगे, आपके पास पैसा नहीं, टूरिज्म एक पास बनाना होता है, उसके नाम से 2 लाख रुपए उन्होंने फिर ले लिए। जी हाँ, और बंदे ने फिर अकाउंट में डाल दिए, तो लगभग हो गए ना 2,70,000 रुपए। फिर बता दूं, करेंसी चेंज के लिए बंदे से पैसे मांग लिए, सोचने की बात है यहाँ पे, देखती है, देखिए करेंसी चेंज के लिए पैसे मांग लिए कितने, 5,38,000 रुपये, 5,38,000 रुपये बंदे से फिर मांग लिए गए। और फिर फोन आया कि अब मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसे जमा कराने हैं 13,50,000 रुपये। जी हाँ, वो किस बात के जी, बोला भाई इतना 6 करोड़ की प्रॉपर्टी जो पैसा है इसका टैक्स देना पड़ेगा हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में। जी हाँ, तब बंदे को शक हो गया जी, अपने साथ तो गलत हो रहा है। फिर बंदा भागा भागा थाने में गया, वहाँ पे FIR दर्ज करवाई इस नाम से, महिला के नाम से, नागरिक जो जेली बता दूँ अल्किया के नाम से, कि इस तरह से मेरे को 6 करोड़ के लालच में इतने पैसे ले लिए। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि यार एक लड़की थी, जेली के नाम से अकाउंट फेसबुक बना हुआ है, दिल्ली के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, संभव बात, आप सोचिए आप कितना बड़ा, बंदे को भी होना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। कोई नहीं है जेली फेली, कोई नहीं है भाई, ये क्रीम जेली ये कुछ नहीं बचा, ये इंडिया के ही लोग हैं और 100% मुझे लगता है 99% तो लड़की निकलेगी नहीं, ये कोई लोंडा निकलेगा जो इंडिया का अयासबाज बंदा होगा जो इसी तरीके से लोगों को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज के जाल में फंसाने के में तकड़ा माहिर है। अब ये लोग कैसे मिलते हैं भाई, आप समझ सकते हैं। अब पुलिस उस अकाउंट नंबर दिए अकाउंट नंबर का एड्रेस निकालेगी, उसके पास पहुंचेगी तो कोई रिक्शा वाला, कोई गरीब आदमी, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला, कोई खेत में बकरी चराते हुए बंदे का वो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा 100%। वो बोलता जी मुझे तो पता ही नहीं किसने मेरे अकाउंट में, मेरे तो खाता ही नहीं है बैंक में जी,
तो दिल्ली पुलिस फिर हाथ मलते हुए रह जाएगी। अगर बंदे में दम होगा तो पुलिस से ज़्यादा इंक्वायरी करेगी, धीरे धीरे पुलिस तह तक पहुंचेगी, तो उसको पता नहीं कब जाके वो पकड़ा जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि ब्रिटिश महिला जेली से 6 करोड़ लेने के लालच में बंदे ने 7-8 लाख रुपये गंवा दिए। तो भाई सावधान रहने की सख्त ज़रूरत आप लोगों को भी है कि ऐसी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए एक्सेप्ट नहीं करने का। एक डायलॉग प्रसिद्ध हुआ था ना काफ़ी टाइम पहले, बुलाती है मगर जाने का नहीं, एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मगर एक्सेप्ट करने का नहीं, वरना आपके पास थोड़ा बहुत जो है वो चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।